दो कारों की हुई जबरदस्त टक्कर। चांदपुर, दो कारों की हुई आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में चार बच्चे घायल। घायल बच्चों को CHC स्याओ में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस रॉन्ग साइड से टक्कर मारने वाले कार चालक को पकड़कर थाने ले गई। चांदपुर के नूरपुर रोड की घटना। बताते चले कि ग्राम भिक्कनपुर रवाना थाना छजलेट निवासी वली मोहम्मद पुत्र अब्दुल करीम ने बताया कि वह अपने गांव से किसी शादी में शरीक होने के लिए कार से मंडी धनोरा जा रहा था। जैसे ही उसकी कार चांदपुर नूरपुर रोड पर पहुंची तो सामने से आ रही एक कार ने उन्हें रॉन्ग साइड में सामने से आकर टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार में बैठे चार बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से कार को टक्कर मारने वाला चालक आकाश अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल चांदपुर निवासी है, जिसको मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस थाना चांदपुर ले आए। वहीं घायल बच्चों को CHC स्पाव चांदपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चालक को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद बिजनौर के चांदपुर नूरपुर रोड की घटना। आज न्यूज चैनल के लिए चांदपुर से रिपोर्टर सलीम अहमद की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? वली मोहम्मद जी। वली मोहम्मद जी, ये आपके कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस रोड जी? हम नूरपुर साइड से अपना धनोरे के लिए जा रहे थे जी। एक बारात में हम लोग जा रहे थे, नॉर्मल स्पीड 40-45 की स्पीड हम लोग जा रहे थे। ये हमारा अपोजिट साइड से एक चांदपुर से गाड़ी जा रहा था नूरपुर साइड के लिए, उसने हमारी गाड़ी को रॉन्ग साइड में आके मारा। दारू पी रखी है उसने, ड्राइवर ने दारू पी रखी हुई है। आपके किसी बच्चे चोट है किसी को? मेरे 2-3 बच्चों के चोट है। क्या एक बच्चे की टांग में चोट है, एक बच्चे के फेस में चोट है, एक बच्चे के गुम चोट है। क्या क्या नाम है उनका? एक बच्चा मोहम्मद अब्दुल रहीम जी, दूसरा बच्चा उनका आनू, तीसरा बच्चा एक अक्सा है। तीनों बच्चे अभी के? नहीं, मेरा एक बेटा है मोहम्मद अब्दुल रहीम, दूसरा बेटा मेरे साले का है। अच्छा। और तीसरा बेटा बच्ची जो है साड़ू की है। कहाँ के निवासी है? मैं रहने वाला ग्राम भिकनपुर, पोस्ट सजलैट, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का, थाना थाना सजलैट।